घाटला खारदेव नगर में आयोजित राहुल शेवाले की प्रचार सभा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कई महिलाएं शामिल हुई। साथ ही विभिन्न संगठनों ने अपना समर्थन राहुल शेवाले को देने की घोषणा की। इस चुनाव प्रचार सभा में महाराष्ट्र के शिवसेना नेता व मंत्री रविंद्र वायकर और शिवसेना नेता नितिन बानगुड़े पाटिल व विधायक प्रकाश फातरपेकर व नगर सेवक वेस्ट समिति अध्यक्ष अनिल पाठनकर सहित बीजेपी आरपीआई के कई नेता मौजूद थे। महाराष्ट्र के चार स्टेज में जो इलेक्शन था उसका तीन स्टेज हो गया है। अभी 29 तारीख को लास्ट स्टेज है। उसके अंदर हमारे यहाँ के लोकसभा के उम्मीदवार राहुल शेवाले जी, जिनको अनुभव मुंबई महानगर पालिका का है, अच्छे काम उस टाइम उन्होंने किए थे मुंबई शहर के लिए, उसी प्रकार से काम अभी लोकसभा में कर रहे हैं। अपने क्षेत्र को अच्छा में अच्छा बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुंबई के हाइस्ट वोटों से वो चुन के आ जाएंगे। विरोधक तो यही बोलेंगे ना, विरोधक की हम स्तुति करेंगे। 60 साल में जिनका हुआ नहीं, वो 4.5-5 साल में सब कुछ हुआ है। अभी मैंने बात की ना, अभी आपने सुना होगा, वो अभी वापस उसका टेप लगाने की जरूरत नहीं। जो काम केंद्र के माध्यम से हुए, जो राज्य के माध्यम से हुए, जो कॉरपोरेशन के माध्यम से हुए, उससे जलन हो रही है उनकी, और इसके लिए राहुल शेवाले जी जीत के आएंगे। लोगों को विकास चाहिए, पिछले 5 साल इस सरकार ने सारे क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह विकास किया है और जनता ये सब देख रही है, तो जनता विकास के साथ ही आएगी। 50 साल आप सत्ता में थे, फिर भी आप गरीबी हटाओ का नारा आज भी दे रहे हैं, तो 50 साल में ये हटा नहीं पाए, ये सबूत है आपने 50 साल क्या किया। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी शेवाले ने पिछले 5 बरस में इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, लोग खुद बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार भी वही विजयी होंगे और अगले 5 साल विकास की धारा यहाँ पर बहती रहेगी। भारतीय मराठा महासंघ ने मुझे सपोर्ट किया है और उनको भी विकास चाहिए, विकास के मुद्दे पे उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया है और विकास मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उनके माध्यम से जो काम हुआ है, और सांसद के नाते मैंने जो 5 साल काम किया उस पर उनको विश्वास है, तो मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनकी वजह से और मुझे ताकत मिल गई है। जय शिवराय। भारतीय मराठा महासंघाच्या माध्यमातून ज्या मराठी माणसासाठी शिवसेनेने 42 वर्ष काम केलं, त्या शिवसेनेला आज पहिले इथले खासदार तर राहुल शेवाळे साहेबांनी 5 वर्षामध्ये भरपूर काम केलं, आणि आम्हाला अशी अपेक्षा आहे की येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये सुद्धा अजून बरेच चांगलं काम करतील। म्हणून भारतीय मराठा महासंघातर्फे मी मुंबई प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने त्यांना बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केलेला आहे आणि ते असे काम करतील त्यांच्याकडून मी आशा करतो। आणि याच्यावर मी जय जय महाराष्ट्र। ये जो विभाग आहे उसको घाटला खारदेव नगर परिसर बोलते हैं और ये टोटली ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र मराठी पट्टा है और इसमें गया साल जब इलेक्शन के पहले, गया साल बोला तो इलेक्शन के पहले जब ये चुन के गए खासदार हमारे, सबसे ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे उनको मिला, 18,500 का वोटिंग है। और ये जो खासदार जो पहले थे वो कभी इधर आए नहीं थे और एक ऐसे हम लोग को एक टीम अच्छी बन गई है, जो खासदार भी शिवसेना का है, आमदार भी मैं शिवसेना का हूँ और नगर सेवक भी शिवसेना का है। इसके लिए काम अच्छा होता है, संसद का प्रश्न खासदार उठा दे तो उनका 56 इंच का जो छाती है और उसके लिए पूरा देश भर आज भारत का नाम ऊँचा हो गया है। इसके लिए ऊपर मोदी मांगते हैं और इधर खासदार हमारे राहुल शेवाळे जो तरुण तड़पदार है और अनुभव है उनको, क्योंकि 4 बार स्टैंडिंग भी ले चुका है, ग्रास रूट से ऊपर गए तो वो भी है, इधर मैं हूँ और मेरा भी काम उतना ही चल रहा है क्योंकि पूरा घूमते रहता हूँ और रिकॉर्ड ब्रेक काम अपना हुआ है। और यहाँ पे बीजेपी के 2 और शिवसेना के 2 नगर सेवक है और वो भी काम में लगे हुए हैं और पब्लिक का काम करता है, तो 101% जो ये हमारा खासदार ये कोई भी हालत में दिल्ली में पहुंच के अपना भगवा झंडा रह लाएगा। जय हिंद जय महाराष्ट्र। बीजेपी आरपीआई या महायुतीचे उमेदवार राहुलभाई शेवाळे यांनी गेल्या 5 वर्षामध्ये अत्यंत भरपूर आणि चांगली कामं केलेली आहेत। त्याची कामं जी पुस्तिका आपण वाचली तर निश्चित तुम्हाला माहिती पडेल, परंतु या ठिकाणी आज
आरपीआई आरपीआई आणि सेना बीजेपी ही महायुती अखंड राहिलेली आहे आणि अखंड महायुतीच्या माध्यमातून राहुल शेवाळे साहेबांना परत आणि तिथं दिल्लीच्या केंद्रावरती पाठवायचं आहे आणि त्यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून जरा मोठं काम द्यायचं आहे की संपूर्ण देशाचा विकास झाला पाहिजे याच्यासाठी आमचे सातत्याने प्रयत्न आहेत. या ठिकाणी राहुल शेवाळे साहेब प्रचंड मताने निवडून येतील यांचा आम्हाला आत्मविश्वास आहे आणि या ठिकाणी आरपीआयचे नेते रामदासजी आठवले साहेब यांना ही उमेदवारी या ठिकाणी द्यायची होती पण त्यांनी म्हटले की बाबा नाही स्थानिक जो उमेदवार आहे त्यालाच या ठिकाणी उमेदवारी द्यावी मी माघारी घेईन आणि त्यांनी शेवाळे साहेबांच्यासाठी माघारी घेऊन शेवाळे साहेबांना या ठिकाणी दक्षिण मध्य मुंबईमधून उमेदवारी देऊन या ठिकाणी संपूर्ण दक्षिण मध्य मुंबईचा विकास करण्याचं काम त्यांच्यावर सोपवलेलं आठवले साहेबांनी आणि ते निश्चितच करतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. आरपीआय त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील या मी तुम्हाला ग्वाही देतो. पहिले से बोला की लहर बोलणे साच्या मी बोलूंगा कि यह शिवसेना का काम है इस वार्ड में. सेना का काम है, काम बोल रहा है, जो काम मतदान के दिन बैलेट बॉक्स तक जाएगा, मशीन तक जाएगा और सेवाले साहब के नाम पे वोट गिरने वाला है और सेवाले साहब को चुन के लाना ये हमारा एक जिम्मा है ताकि एक कुशल और स्मार्ट खासदार जो फिर से एक बार दक्षिण मध्य मुंबई के लिए हमें लाना है. हमारा प्रयास रहेगा कि ये इस बार भी उसी तरह का माहौल बना के लोगों को घर से निकालना है और मतदान केंद्र तक लेके जाना है. हमारा विश्वास तो वही है, लोगों में भी वही आनंद है, वो सबको एक साथ लेके वो आनंद हमको 29 तारीख तक रखना है उस केंद्र तक जाने के लिए. कई दिनों से शिवाले साहब के साथ इस हर रैली में मैं रहा हूँ. उनकी तकरीबन सारी रैलियाँ मैंने देखी है. शिवातु सेना के दौर से मैं इस रैली में हमेशा उपस्थित रहा हूँ और शिवाले साहब का काम की चर्चा आप नहीं बोले तो ठीक है, बाकी चर्चा हर जगह पे हो रही है. लोग हर तरह से जुड़ते जा रहे हैं, नए माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, नए संगठन से लोग आ रहे हैं शिवसेना की तरफ और इस आखिरी दौर पे जो आ रहे हैं इसका मतलब प्यार बढ़ते जा रहा है और उम्मीदें बढ़ती जा रही है. ये ताकत एक जो है और शिवसेना किसी निश्चित है इस इलेक्शन में. देखा होगा कि यहाँ पे बड़े बड़े नेते, दिग्गज नेते जो बानगुड़े पाटिल साहब हो, वाइकर साहब हो, वो आए थे. और वैसे भी पाटनकर साहब ने जो बोला है वो सही है कि इतने सालों से हम लोग भी आपके माध्यम से बोलते हैं कि ये शिवसेना का गढ़ है और ये बाले किला है. यहाँ पर कितनी कौन कितना ही कुछ भी कर ले, यहाँ पे शिवसेना के अलावा कोई ही पार्टी खड़ी भी नहीं होगी. अगर आपने आज देखा होगा तो इतने बड़े जाहिर सभा में मनसे के उपविभाग प्रमुख म्हणजे मनसे के पूरे कार्यकर्ता का ही जाहिर प्रवेश हो चुका था. मराठा महासंघ, उसने पाठिंबा दिया. ऐसे बहुत सारे समाज है जो इंटरनल उन्होंने सपोर्ट दिया है. तो मुझे पूरा खातिर है कि मुझे यकीन है कि जब आप 23 मई को आप जब इधर की जब पेटी ओपन देखोगे तो सबसे ज़्यादा पूर्ण दक्षिण मध्य मुंबई से 20,000 मत से ज़्यादा हम लोग लीड लेके यहाँ से एक नंबर पार्टी शिवसेना की होगी. इतना मैंने कहना चाहूँ तिथं महिलांना सन्मान आहे, कामं चांगल्या रीतीने केले जातात, त्यामुळं असं मला वाटलं की इकडे प्रवेश केला पाहिजे म्हणून केला. म्हणजे सगळ्या नगरसेवक आमदारांचं काम चांगलं, नगरसेवकांचं, कामदारांचं, खासदारांचं म्हणजे छान. त्यांचं म्हणजे आमचे जे म्हणजे प्रश्न होते काही ते सोडवले, त्यामुळे आमच्याबरोबर आता सध्या कमी आहेत पण आम्ही जवळजवळ 25-30 जणी आहोत.